मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। आज यूपी में 58 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बागपत जिले की 3 विधानसभा सीट हैं, बागपत, छपरौली और बड़ौत। बागपत और बड़ौत सीट पर 2017 में भाजपा के योगेश धामा और केपी मलिक विधायक रह चुके हैं। छपरौली सीट पर 2017 में रालोद से सहेंद्र सिंह रमाला विधायक बने थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। एक बार फिर छपरौली से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने आरएलडी के अजय कुमार हैं। योगेश धामा के सामने गठबंधन प्रत्याशी अहमद हमीद हैं, जो बसपा छोड़कर अभी हाल ही में आरएलडी में आए हैं। बड़ौत सीट पर केपी मलिक के सामने आरएलडी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी जयवीर सिंह तोमर हैं। अब देखना है कि बागपत की तीनों विधानसभा सीट पर कौन बाजी मार पाता है। बागपत में सराय और खेकड़ा में कुछ समय के लिए ईवीएम खराब हो गई थी, लेकिन समय रहते उन्हें ठीक करा दिया गया है। बागपत में मतदान केंद्रों पर वोट डालने वालों की भीड़ काफी देखने को मिल रही है। कैसा है नजारा, हमारे संवाददाता विनेश शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। वोट डाल के आयो, विकास के मुद्दे पे वोट डाली है और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट डाली है, बताओ दो चार। और जो है राशन फ्री मिल रहा है, दो बार महीने पूरा मौज आ रही है, फर्स्ट क्लास। वोट जो दिया है, इस क्षेत्र की जो पहचान है किसान नाम से, किसान के सम्मान के लिए वोट दिया है। और जो फिरका परस्ती का एक माहौल पिछले एक दशक से चल रहा है देश की राजनीति में, उसको दूर हटाने के लिए वोट दिया है। और एक गंभीर मुद्दों पर सबको साथ लेकर चलने वाली जो हमारी भारतीय सभ्यता है, गंगा जमुनी तहजीब है इस क्षेत्र की, उसके लिए हमने मत दिया है। 3 विधानसभा क्षेत्र है ये, 3 सीटों पर क्या कहा जाएगा आपके घर? यहाँ बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ ऐसा मुझे जान पड़ रहा है कि तीनों ही विधानसभा क्षेत्र जो है वो गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में जा रही है और बड़े मार्जन से गठबंधन इस जनपद में तीनों सीट जीतेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।